लोक निर्माण विभाग सचिव डॉक्टर पंकज कुमार पांडे अपने एक दिवसीय दौरे पर उत्तरकाशी पहुंचे, जहां उन्होंने उत्तरकाशी गंगोत्री के हिस्से में प्रस्तावित हीना नेताला बाईपास का स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण कर संबंधित विभागों और कार्यदायी संस्थाओं के साथ विचार विमर्श किया। बता दें कि बाईपास निर्माण को लेकर स्थानीय लोगों ने आपत्तियां दर्ज कराई थी, जिसको लेकर मुख्य सचिव के निर्देश पर स्थिति देखने के लिए सचिव लोक निर्माण विभाग यहां पहुंचे थे। सचिव ने सीमा सड़क संगठन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, जिला प्रशासन और लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के साथ तेखला, गंगोरी, गणेशपुर, नेताला से होते हुए हीना तक का स्थलीय निरीक्षण किया। साथ ही प्रस्तावित बाईपास और वर्तमान सड़क की स्थिति का जायजा लिया। सचिव ने क्षेत्र में सक्रिय भूस्खलन क्षेत्रों का निरीक्षण भी किया और इनके उपचार की संभावनाओं की जानकारी भी ली। उत्तरकाशी से विनीत कंसवाल की रिपोर्ट। आप जानते हैं उत्तरकाशी गंगोत्री का जो NH है उस पर सैंक्शन हो चुका है, उस पर काम करना प्रारंभ कर रहा है BRO। उसमें फॉरेस्ट लैंड ट्रांसफर और बाकी लैंड कुछ ना काम चल रहा है। इसमें क्षेत्र के कुछ लोगों ने अपना विरोध दर्ज किया था, एक बाईपास प्लान किया गया, उसके बारे में अपना बात अपनी रखी थी सर शासन स्तर पर। तो उसके क्रम में ये निर्णय लिया गया कि हम फील्ड में जाके एक बार बात कर लें और साइट इंस्पेक्शन करके ये डिसाइड करें कि क्या ऑप्शन बेहतर होगा। उसी क्रम में मैं और चीफ इंजीनियर जो मॉर्थ हैं, मिनिस्ट्री, भारत सरकार की जो मिनिस्ट्री है, और BRO के चीफ इंजीनियर, हम लोग आज यहाँ आए हैं। और जिला प्रशासन की टीम की तरफ से DM साहब, SDM साहब सब लोग साइट पर देख के आए हैं हम लोग सारी चीज़ें। और इसके बाद हम लोगों ने जो क्षेत्र के लोग थे उनसे भी बातचीत की है, उन्होंने अपनी बात रखी है। ये सारा कंक्लूजन हम लोग शासन स्तर पर इसको रखेंगे और जो भी निर्णय होगा वो जल्दी ही बताया जाएगा। देखिए, ऑल वेदर रोड के संबंध में जिस प्रकार से लगातार जो स्थानीय लोग हैं वो बाईपास के बजाय जो है यथावत जो नेशनल हाईवे उसको ही चौड़ीकरण के लिए लगातार मांग करते हुए आए हैं, चाहे राज्य सरकार से चाहे भारत सरकार से, तो वो मांग को पूरी मानते हुए आज जो है जो उत्तराखंड सरकार के जो सचिव हैं लोक निर्माण विभाग के पंकज पांडे जी, और जो NHAI के जो चीफ इंजीनियर हैं और BRO के भी जो चीफ इंजीनियर हैं, आज वो लोग यहाँ पर आए हुए थे भारत सरकार के निर्देशन पर कि एक बार वहाँ लोगों से बातचीत की जाए और सड़क का भी उन्होंने मुआयना किया। विशेष करके जो ये बात सामने निकल के आई थी कि जो नेताले के पास जो भूस्खलन जोन है उसको ही आधार बना करके BRO उसको बाईपास करना चाह रहा था, लेकिन हम लोगों के द्वारा बराबर ये कहा गया कि अगर नेताला जो भूस्खलन जोन है वो इतना बड़ा भी है और इतना गंभीर भूस्खलन जोन भी नहीं है कि उसका ट्रीटमेंट नहीं हो सकता है। तो हमारी बातों को उन्होंने सुना है और उन्होंने ये भी कहा है कि भाई हम इस विषय को जो आप लोगों की जो मांगे हैं उन विषयों को हम ऊपर पहुंचाएंगे।